स्वामी जी, एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है। स्वामी जी, आप अपना काम करते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपकी एड स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप स्वयं एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी संभालते हैं या कोई और? धर्म को एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है? निश्चित ही मैं एड स्ट्रेटजी और इस संबंध में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बातें बताऊं जो आप सुनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि धर्म क्या। धर्म है स्वभाव, लेकिन स्वभाव किसका? मेरा स्वभाव किसका? स्वभाव तुम्हारा? स्वभाव किसका? हमारी मन की वृत्तियों का या स्वभाव आत्मा का? बहुत सारी चीजें जब करने बैठेंगे तो कुछ लोग आत्मा के स्वभाव को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग मन के स्वभाव को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे स्वामी जी आपका जो स्वभाव है वही धर्म है, या कुछ लोग अपने स्वभाव को धर्म बताने लग जाएंगे। सबसे बड़ी भूल अभी तक पूरी दुनिया में ये होती आई है कि हमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म की बातें सब कोई कर रहे हैं, हर जगह धर्म की बातें चल रही हैं, लेकिन धर्म के बारे में सही संदेश पे काम ही नहीं हो पाता। उसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत, क्योंकि मैं बहुत सारे ओशो सन्यासियों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए ज्यादातर ओशो सन्यासियों के मुंह से सुनता हूं कि उन्हें ओशो का काम करना। मैं कहता हूं व्हाट इज वर्क, क्या करोगे? कोई कहता है ओशो का काम था कि पूरे संसार को ध्यान में डुबो दो, तो हम ध्यान कर रहे हैं। कोई कहता है कि ओशो का कार्य हमारी नजर में यह है कि सब लोग ओशो को जान जाएं, उनकी किताबें बेचने लगता है। मैं थोड़ी सी चीज कहना चाहता हूं, ओशो को जो प्रेम करते हैं वो कहेंगे कि ध्यान ही सब कुछ है। ठीक, जो व्यक्ति जय कृष्ण मूर्ति को प्रेम करते हैं, अगर उनसे पूछोगे कि तुम्हें जय कृष्ण मूर्ति का प्रचार करना कैसे करना है, तो वो कहेंगे मुझे प्रचार ये करना है कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, गालिब के प्रेम करने वाले से पूछोगे कि तुम्हें गालिब का काम करना है, प्रचार करना है, तो वो गजलें सुनाने लग जाए। ठीक, कृष्ण के चाहने वाले से पूछोगे कृष्ण का क्या काम करना है, तो वो गीता का प्रचार शुरू कर देगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गीता का प्रचार सबके लिए काम कर सकता है? क्या ध्यान सबकी जरूरत है? क्या कृष्ण मूर्ति सबके लिए उपयोगी है? क्या गालिब के शेर सबके काम आ सकते हैं? मुझे लगता है कि जो उसको अच्छा लगा होगा गालिब का शेर सुनने से, तो वो सोचता है कि सबको अच्छा लगेगा, इस वजह से वो प्रचलित यही करते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि यहां हर आदमी धर्म के नाम पे अपने स्वभाव को दुनिया के सामने रख रहा है, और जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को सामने रखता है तो निश्चित ही कुछ लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब जो अट्रैक्ट होते हैं उनमें भी बहुत बड़ी संख्या ज्यादातर उनकी होती है जो उस स्वभाव के विपरीत होते हैं। जैसे एक कमजोर आदमी रेसलिंग के लिए आकर्षित होता है, क्या वो रेसलिंग करने योग्य है? आकर्षित क्यों हो रहा है? आकर्षित इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे सामने वाले में वो दिखाई दे रहा है जो उसके अंदर नहीं। अब इससे तो बिल्कुल साफ बात प्रतीत होती है कि आकर्षण के कारण जब भी कोई व्यक्ति किस तरफ बढ़ेगा वो भटकेगा, वो बिल्कुल भटक जाएगा, क्योंकि वो आकर्षण से चुन रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति रेसलिंग की तरफ आकर्षित क्यों होता है? ताकत के लिए नहीं,
रेसलिंग की तरफ आकर्षित होता है रेसलिंग के प्रचार प्रसार की वजह से। एक आदमी अपने मोहल्ले में कुश्ती लड़ ले, तुम्हें पता लगेगा, तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगे। अभी रेसलिंग में तुम आकर्षित होगे रॉक की ओर, और जो बड़े बड़े रेसलर हैं उनकी ओर तुम आकर्षित होगे क्योंकि उनका प्रचार ज्यादा है। तुम छोटे रेसलर की तरफ आकर्षित नहीं होते, तुम सबसे अच्छे रेसलर की तरफ आकर्षित होते। अब यहां पे समझना है कि मेरी नजर का धर्म क्या है। मेरी नजर का धर्म जो है वो सिर्फ इतना ही है कि सामने जो भी इंसान है उसके साथ मैत्री गांठ के उसे ये समझाया जा सके कि तुम जो हो जैसे भी हो तुम्हारा ही स्वभाव जो है उसी को खिलने पे काम करना है। मैंने एक शब्द स्वीकार किया अपने ऊपर नाम के रूप में जिसका नाम है सखा। सखा क्या है? दोस्त। केवल दोस्त? सहयोगी। केवल सहयोगी। सखा यानी मित्र जैसा गुरु। केवल मित्र जैसा गुरु। अब बात यही अटक जाती है। सबसे बड़ी अटकने वाली बात यह है कि तुम सब सखा को भी एक खास रूप में बांधते हो। कुछ लोग मुझे केवल दोस्त बना लेना चाहते हैं, मैं केवल दोस्त नहीं हूं। कुछ लोग मुझे केवल गुरु बना लेना चाहते हैं, मैं केवल भी गुरु नहीं हूं। कुछ लोग मुझे इन दोनों रूप में देख लेना चाहते हैं लेकिन इन दोनों रूप का भी मैं नहीं हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये दोनों रूप सिर्फ इसलिए हैं कि सखा से तुम्हें तुम्हारे अंदर मैत्री जैसे प्रतीति हो और जहां पे तुम्हारी जिंदगी के अटकाव हैं वहां पे एक गुरु के रूप में मैं उसको सुलझा के बाहर ला सकूं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक तीसरा रूप है और वो है मेरा, जिसको नाम नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ मेरा है और उस रूप से तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। सखा से तुम अटकेलियां कर सकते हो, गुरु से तुम सीख सकते हो, लेकिन मुझे मेरी तरीके से समझ पाओ और मेरे तरीके से जैसे मैं जीवन को सहजता से जिया हूं उस तरीके से तुम भी अपने जीवन में सहजता को ला पाओ, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए मेरे धर्म की परिभाषा जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं दुनिया में प्रचार करना चाहता हूं, वो थोड़ी डिफरेंट है। यही कारण है कि एड के संबंध में मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। लोग पूछते हैं कि आपकी एड स्ट्रेटजी क्या है। एड स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही होती है, किसी भी तरीके से दुनिया के सामने अपने को ला सको। लेकिन ये बड़ा जागतिक नियम बड़ा खराब है। मुझे कम से कम कुछ नहीं आज तक पिछले 4-5 सालों में 20-25 लोगों ने संपर्क किया जो मेरा ऐड करना चाहते थे या मुझे फेमस करना चाहते। मैंने कहा कि चलो ठीक है करो, बताओ कि कैसे करना चाहते हो। किसी ने मुझे मेरे ऊपर एक खास तरीके का ड्रेस कोड तैयार करने की, कोई खास गेटअप तैयार करने की कोशिश शुरू कर दे। जैसे सपोज दैट आज की तारीख में सदगुरु हैं, ठीक है। सदगुरु जब भी पब्लिक के बीच आके बोलने बैठते हैं वो एक खास तरीके का गेटअप रख के बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो हर एक समय उस गेटअप में रहते हैं? नहीं। तो उन्होंने वो गेटअप रखा है, इसके नुकसान मालूम क्या है? गेटअप से तुम आकर्षित हो गए, गेटअप से तुम्हें हिप्नोटाइज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उनके वास्तविक जीवन में अगर बहुत निकट रह के देखोगे तुम्हें अचानक ही धारणा टूटती दिखने लग जाएगी। तो उसका एक फायदा है कि
बहुत लोग एक खास तरीके के गेटअप से सम्मोहित होकर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन उस आकर्षण का वैसा ही फायदा है जैसे कि अपने धंधे बढ़ाने का होता है। उस गेटअप से वो लोग आकर्षित होंगे जो स्वयं किसी गेटअप में बने नहीं, जो स्वयं किसी गेटअप में बंधे नहीं, और वो लोग वही होंगे जो एक रेसलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, स्वयं जो है पतले दुबले सूखे। तो ये आकर्षण अंतोगत्ता जो है वो केवल सिंगल साइडेड प्रचार का काम कर देता है। मैं अगर केवल अपना प्रचार करने की ही बात करूं, बिजनेस ही करूं, तो बिजनेस तो अच्छा कर सकता हूं, लेकिन बिजनेस करके मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं गेटअप को भी त्याग देता हूं, तोड़ देता हूं। अब ये अलग बात है, मेरे बाल ये हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं टोपी लगा के कभी ऐसे वैसे तोड़ता हूं, तुम्हें कभी भी मेरी एक छवि नहीं एक मिलेगी। फिक्स लुक नहीं। एक फिक्स लुक बनाना सम्मोहन की दृष्टि से आकर्षक है, जिसे लोगो बोलते हैं। लोगो, हाँ लोगो। मैं एक लोगो की मिसाल देना चाहता हूं। एक लोगो था चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन आपके दिमाग में छपा हुआ होगा, लेकिन चार्ली चैपलिन के साथ एक घटना है कि चार्ली चैपलिन के कुछ लोग चाहने वालों ने चार्ली चैपलिन का एक शो किया जिसमें बहुत से लोग चार्ली चैपलिन बन के आए। वहां पे चार्ली चैपलिन भी अचानक गुजर रहा था, उसने कहा मैं भी इसमें हिस्सा ले लेता हूं। चार्ली चैपलिन ने भी उसमें हिस्सा ले लिया और बहुत अच्छा गेटअप लोग करे हुए थे, उसमें चार्ली चैपलिन भी था, असली चार्ली चैपलिन। और हैरानी की बात है, असली चार्ली चैपलिन सेकंड आया। असली चार्ली चैपलिन सेकंड आया। अब इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि असली सिक्का एक ही जैसा होता है, बहरूपिया बहुत अच्छा सिक्का निर्मित कर सकता है, बहरूपिया उससे भी अच्छा बन सकता है। और इसीलिए इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। जो भी व्यक्ति एक खास तरीके के गेटअप का निर्माण करके तुम्हारे बीच में अपनी बात रखता है, निश्चित ही इसके थोड़े से समय जाने के बाद बहुत सारे नकली सिक्के मार्केट में आ जाएंगे। ओशो थे, ओशो के जाने के बाद प्रणाम, वैसी टोपी लगाए हुए, वैसे गाउन पहने हुए, बड़े नकली सिक्के आ गए। उन नकली सिक्कों से क्या मिलेगा तुम? उन नकली सिक्कों का ओशो ने अपनी जिंदगी अगर काम किया 1 लाख आदमी पे, तो ये सब सिक्के नकली मिलके कम से कम 50 लाख लोगों को भटकाने का काम करेंगे। तो क्या ये गेटअप का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। एक खास तरीके का पैटर्न रखने का नुकसान है। और ये सबके साथ नहीं हुआ अब कृष्ण थोड़ा भाई? यही नहीं, ना सबके ना, साथ नहीं हुआ। मैं यही बताना चाहता हूं। ओके। तुम ये कहोगे कृष्ण के साथ हुआ, कृष्ण ने नहीं किया, ये तो प्रचार करने वालों ने पहले कृष्ण की एक छवि रखी और बाद में कहा हम उसकी छवि मानते हैं। पर ओशो ने भी मैं एक एक आदमी, गॉड मैं ओशो को भी कहूंगा, यहां पे ओशो भी गुनेगार हो जाते हैं। इतनी अकल इतनी समझ रखते थे तो यार थोड़ा सा समझना चाहिए था। जब मैं जैसे मेरे जैसे मैं तो दिया, वो महासूरज इतनी समझ रखता था, दिए को तो फिर कम होगी, लेकिन मैं ज्यादा समझ की बात कर रहा हूं। मैं एक आदमी की तुम्हें मिसाल देता हूं, उसकी कोई नकली कॉपी बता पाना? कबीर की कोई नकली कॉपी बताओ? उनको तो देखा भी नहीं ना बहुतों ने, बात देखे कि दिखा नहीं? ही नहीं वो, उसका उनको तो गेटअप चेहरा भी नहीं। नहीं पता। आप यही तो बात है, चेहरा तो कृष्ण का तुम्हें काम पता है। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बट यही कह जो रहा हूं, बन वो तो क्रिएट पेंटर्स किया कृष्ण का का भी इमेजिनेशन। उस समय के हिसाब से कृष्ण ने भी एक पैटर्न बनाया था, बांसुरी पैटर्न था, मोर मुकुट पैटर्न था, राम का धनुष बाण पैटर्न था, सबके पैटर्न थे, लेकिन कबीर का कोई पैटर्न नहीं था। कबीर की कोई डमी खड़ी हुई हो तो बता दो मुझे, और मैं आज भी कहता हूं
कबीर के एक एक सूत्र पे इन सारे सन्यासियों को लपेट सकता हूं, जवाब नहीं दिए मिलेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के बुद्धत्व पे संदेह उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बुद्धत्व अगर एक घटना है, महाघटना, तो बुद्धत्व के साथ सरलता जोड़ देने से वो घटना केवल उन्हीं लोगों के लिए रहती है जो वाकई उसके हकदार हैं, फालतू की भीड़ नहीं इकट्ठी होती। जब कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो किसको मानेगी? वो भीड़ उसको मानेगी जिस तरीके का रूप उसने देखा सुना है, क्योंकि वो हिप्नोटाइज है। तुमने देखा नेता लोगों को, एक छोटी देर के लिए भाजपा की बात बता देते हैं। भाजपा में सबसे पहले नेता थे आडवाणी, वो कोटी पहनते थे, अब उनकी कोटी जो है वो सब पहन रहे हैं। क्या सब आडवाणी है? बस, लेकिन तुम कोटी के भरोसे में ही रहना। तुम वो जो उन्होंने पहना था, वो जो उन्होंने बातें तुम्हें सम्मोहित करने के लिए बनाई थी, उसमें रहना। ऐसी करके जो पैटर्न होता है वो पैटर्न नुकसान पहुंचाता है। बट फेमस मतलब जो चीजें इजीली स्प्रेड हो जाती हैं वो तो यही चीजें हैं। मैं यही तो तुमसे कहना चाह रहा हूं। हाँ। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाह रहे। एड स्ट्रेटजी में तो एक पैटर्न बनाना ही पड़ेगा, लेकिन एड स्ट्रेटजी का फायदा क्या है? मैं बेचना क्या चाहता हूं अपने आप को? इतने दिनों से अगर समझो, मेरे साथ रहने वाले भी इतने दिनों से ये ना समझे तो फिर कौन समझेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं क्या बेचना चाहता हूं। मैं बेचना चाहता हूं पब्लिक के बीच अपना जीवन, अपने बाल नहीं, लाइफ। यस, और तुम मुझे खास पैटर्न में बना देना चाहते हो, मुझे वो तोड़ना है क्योंकि पैरामीटर्स बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल हैं तुम्हारी नजर में। मेरी नजर में नहीं, मतलब बाहर बाहर नहीं। तो तुम बाहर की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बाहर से प्रभावित हो। तुम बाहर की दुनिया को अच्छे जानते हो, मैं अंदर की दुनिया को अच्छा जानता हूं। इसीलिए एड स्ट्रेटजी मेरे हाथ में रहनी चाहिए कि मैं क्या देना चाहता हूं। अभी बहुत सारे लोग मेरे पास जुड़े, अभी एक जल्दी रिसेंटली बात है, एक टीवी चैनल के लिए मुझे प्रमोट करना चाहते थे कि कुछ काम करना चाहते थे। मैंने कहा ओके, काम करिए, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं, आपको पहले मुझे समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको लोगों को मुझे देना पड़ेगा। वो मुझे नहीं समझे, उन्होंने बहुत पता नहीं क्या मेहनत की, उसके बाद उन्होंने कहा कैमरामैन ऐसे होने चाहिए, एक मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, फिर बांध दिया। मैंने उस दिन के बाद उनसे बात नहीं की। मेरा सीधा सा कंसेप्ट है, आप मुझे बेचो मेरी जिंदगी क्या है, बेचो मुझे, कंट्रोवर्शियल बना दो, क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल हूं। मैं किसी भी दायरे में बंधा हुआ नहीं, इसलिए कंट्रोवर्शियल हूं। अगर मैं दायरे में बंधा हुआ होता बहुत सहज से स्वीकार हो जाता। अगर मैं ओशो की तरह कहता सिर्फ ध्यान ही ध्यान सब कुछ है, मैं बड़ा फेमस हो जाता। लेकिन मैं कैसे कह दूं जब मैं जानता हूं कि सबके लिए ध्यान जरूरी नहीं। अगर सबके लिए ध्यान जरूरी है तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कृष्णमूर्ति को आग लगा दो। अगर सबके लिए कृष्णमूर्ति की तरह गुरु को छोड़ देना जरूरी है तो मैं कहूंगा ओशो को आग लगा दो। मैं ये कह रहा हूं किसी की जरूरत ओशो हो सकते हैं, किसी की जरूरत कृष्णमूर्ति हो सकते हैं, किसी की जरूरत गालिब हो सकते हैं, किसी की जरूरत नानक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक सबकी जरूरत नहीं हो सकता। मैं भी मेरे स्वभाव के तहत अगर तुम मेरे तरफ अट्रैक्ट होते हो और तुम्हारे अंदर भी उतनी ही सामर्थ है तो मेरा स्वभाव ही तुम्हारे लिए काम कर जाएगा। अन्यथा अगर तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आओ तो मेरी एक ही चीज काम करेगी कि मुझे देख के तुम ये कहो कि ये भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूं, ये भी सरलता से अपना जीवन जी रहा है, मैं भी सरलता से अपना जीवन जी रहा हूं। इन अर्थों में मैं तुम्हारे बड़े काम का हूं। अब ये बात समझना मुश्किल पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत सरल होके भी किसी के लिए एग्जाम्पल कैसे हो सकता हूं?
अब यहां पे आती है दूसरी बात। मैं ये कहता हूं मेरे ज्ञान को देख लो जो असीम है। तुम दुनिया का कोई प्रश्न उठाओ, मैं बार बार इसलिए कहता हूं तुम प्रश्न उठाओ। जो मेरा सबसे बड़ा टैलेंट है वो ये है कि मैंने अपनी डोर को किसी ऐसे के हाथ में छोड़ रखा है जहां से मुझे सब चीजें आ रही, वही एकमात्र आकर्षण होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ना किसी तरीके के भोजन को खास खाने की जरूरत है, ना त्यागने की, ना इसके लिए किसी खास तरीके के कपड़े पहनने की जरूरत है, ना कोई बाल रखाने की, ना इसके लिए खास तरीके की दिनचर्या की जरूरत है। इसके लिए बस सिर्फ एक ही चीज जरूरत है, वो उस तत्व का पता होना जो तत्व हम सबसे बड़ा है। तो मेरे निकट जब कोई आता है तो ज्यादातर वो फायदे में हो सकता है जो ये कहे हैं हमारी तरह, खाते पीते हमारी तरह ही हैं, रहते हमारी तरह ही हैं, जीवन सब बिल्कुल जीते हैं, लेकिन कुछ तो है जो सबसे अलग है। आप समझे बात? अब ये चीज कैसे प्रेजेंट की जाएगी, इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है ना। अब मैं अपने हाथ में रखता हूं सिर्फ ये कि मुझे पेश करने का तरीका क्या होना चाहिए। वही तो मैं कहता हूं तुम लोगों से भी। इक्विपमेंट्स की थोड़ी बात हो सकती है क्योंकि उसकी जरूरी है। जैसे कोई मुझे सुन रहा है तो अच्छे ढंग से सुन पाए इसके लिए माइक चाहिए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से वो चेहरे को देख पाए तो इसके लिए लाइट चाहिए। चलो ये मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट में बांध के पेश नहीं किया जा सकता। मैं स्क्रिप्ट में बनने वाला इंसान हूं नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे मारती है और जो चीज मुझे मारती है वही चीज मैं कैसे दूसरों को दे दूं, क्योंकि ये तो अभिनय करना हो गया स्क्रिप्ट के आधार पर। तुम लोगों ने कितनी बार देखा रिकॉर्डिंग होती है, अगर तुम्हारे अंदर से क्वेश्चन नहीं है तो मैं उठ के चला जाऊंगा। या तुमने कभी ऐसा देखा कि तुम्हारे प्रश्नों के आधार पर मैं पहले बुक पढ़ने बैठ जाऊं और पहले रीडिंग करूं कि क्या करना, ऐसा कभी देखा? आप तो सुनते भी नहीं पहले, बस तो मैं ये कहता हूं बात करो सीधे सीधे बात शुरू हो जाती है। तो यही चीज बड़ी सरल हो सकती है। हाँ निश्चित ही टीवी की अपनी मजबूरी हो सकती है, टीवी चैनल की अपनी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें 4K क्वालिटी चाहिए, तो इक्विपमेंट 4K हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये मैं समझ सकता हूं, टेक्निकल समय की बात है। लेकिन मेरे जीवन में मेरे कहने की शैली में अगर छेड़खानी की जाएगी तो वो तो फिर नहीं कहा जा सकता और दिया जा सकता जो मेरा है। लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि वो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनके कमरे की साफ सफाई उनकी व्यवस्था के लिए मैं बात करता हूं। इतना तक तो मैं तुमसे भी कहता हूं सबसे कि कोई आ रहा उसका ख्याल रखो, लेकिन एक दिन दूसरे दिन से उसी से कहता हूं अब झाड़ू तुम लगाओ। इसके अतिरिक्त क्या मैं अपने को उनके सामने कैसा पेश करना है इसके संबंध में कभी तुम लोगों को एडवाइस दी? नहीं। कभी दी? भाई तुम सब मेरे साथ रहते हो, तुम लोग तो जानते हो। नहीं। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि मेरे संबंध में किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं। मुझे जब सो के उठना है मैं उठूंगा, जो खाना है वो खाऊंगा, जो पहनना है वो पहनूंगा, सबके बीच सरलता से रहूंगा, सबके बीच में सखा ही हूं, गुरु और मित्र भी। लेकिन इसके अतिरिक्त मेरी स्वयं की भी एक जीवन शैली है जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा, मेरा अपना भी एक लाइफ स्टाइल है। तुम मुझे गुरु की तरह उपयोग करो, ये तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन मेरे लाइफ स्टाइल में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुम मुझे मित्र की तरह मेरा साथ लो, इसमें भी तुम्हें मजा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम मेरे गुरु होने को भूल जाओ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका रीजन है, अगर तुमने मित्र बनाया तो भी तुम वो नहीं ले सकते जो है, अगर तुमने केवल गुरु बनाया तो तुम कहीं ना कहीं मुझे एक दायरे में बांधोगे, वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पूरी सब चीज है। तो जिसने पूछा है कि एड स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती है, मेरी एड स्ट्रेटजी है कि मैं जैसा हूं वैसा ही लोगों के बीच आऊं। मैं अपने आप को पर्दे में नहीं डालना। ओशो के बारे में मैंने सुना कि जब वो आते थे मंच पे,
लेक्चर देने उससे पहले वो बड़ी तैयारी करते थे, दिन तैयारी करते थे, वो बहुत अच्छे चुटकुले कविताएं इकट्ठी कर लेते थे कि अब इसको कौन से क्वेश्चन को उठाना है, उस क्वेश्चन के बाद कौन सी कविताएं उसमें सब बोलनी है। उसके तहत सबसे बड़ा नुकसान मानो क्या हुआ, बताओ सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ इससे? इससे नुकसान हुआ ओशो के बारे में एक चीज फेमस हो गई, ओशो से अच्छा कोई वक्ता नहीं, इसीलिए ओशो के सारे सन्यासी बस अच्छा वक्ता होने में लग गए। तर्क अच्छा होना चाहिए, इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट। तो वो ओशो जो थे वो उनका काम था, वो दुनिया को क्या देना चाहते थे उनकी समझ थी। और अगर मैं कह दूं तो बात बड़ी अजीब सी लगेगी, ओशो का काम था हजारों लाखों के अंदर धर्म की प्यास पैदा करना, उन्होंने कर दी। मेरा काम है धर्म के मार्ग के संबंध में तुम्हें बताना, जो मैं कर रहा हूं। अंतर है इतना, वो अंतर है। उनका काम था धर्म की प्यास पैदा करना, लाखों लोगों के अंदर उन्होंने प्यास तो पैदा कर दी, आज प्यास तो लोगों के अंदर है लेकिन किसी को राह नहीं दिखाई देती कि जाना कहां है, कैसे जाना है, सबकी पीड़ा यही। और उनकी जो लोगों ने प्यास पैदा करी ओशो ने, जिन लोगों के अंदर, उनकी प्यास को भी पूर्ति देने के लिए उनके ही चेले और बैठ गए टोपी लगा के और सब पहन के। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, ओशो ने प्यास दी और बस वही चीजें दोहरा रहे हैं, प्यास को दोहराए जा रहे हैं, प्यास को खूब दोहराया जा रहा है। कुंडली जगनी है, सबको मुक्ति होनी है, सबको सबको बस घर नहीं छोड़ना है, जोर बदा बुद्धा, वही चीजें दोहराई जा रही। मैं ये नहीं कर रहा, ये मेरा काम नहीं। मैं भी उस मकर जाल में कभी था और वहां से बाहर निकला, इसलिए मेरे पास उस मकर जाल के पूरे अनुभव है और उससे बाहर निकलने की विधि भी। मैं यही कह रहा हूं कि मैं लोगों को बाहर आ सकता हूं उससे, इसीलिए जितने भी ओशो सन्यासी मेरे टच में आए और मेरे प्रेम में पड़े और जिन्होंने मेरी बात मानी, हाँ बहुत से लोग मुझे देखने आए, चलो देखें, बहुत से लोग मेरे पास इसलिए भी आए ओशो के सन्यासी कि बुद्ध पुरुष के पास बैठने से ऊर्जाएं होती हैं। भाई कोई ऊर्जा ऊर्जा नहीं होती, मैं कई बार कह चुका हूं, पाद की जो ऊर्जा होती है, एक पाद पर सबको ऊर्जा महसूस होती है, बाकी बुद्ध पुरुष के पास ऊर्जा होती है। अगर ऐसा होता तो कबीर तो जिस सड़क पे चलते थे वहां लोगों को गिर गिर जाना चाहिए था। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान शिविरों में गए स्वामी जी, उन्होंने मुझे छुआ सन्यास के वक्त, बड़ी ऊर्जा पैदा हुई। कोई ऊर्जा ऊर्जा नहीं होती, कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस चीज को कैसे कहूं? तो मैं कह सकता हूं कि इस तरीके की ऊर्जा देखने आए तो तुम वो विचार लेके आए, तुम मेरे पास से कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। हाँ तुम आते, और तुम इसलिए आते कि मैं फंसा हूं स्वामी जी, मैं फला फला जगह अटक गया हूं, मैं वहां से आगे नहीं आ पा रहा, तो मैं तुम्हारा सहयोगी बनता, मैं तुम्हें बताता कि इस चीज से कैसे आगे आया जा सकता, मैं तुम्हें वो अगर ध्यान छुड़ा के आगे ला सकता तो ध्यान छुड़वा के ले आता हूं, किसी को ध्यान करवा के आगे लाना तो ध्यान करवा के आगे ले आता हूं, किसी को अगर ओशो को गाली दिला के भी आगे लाना तो मैं गाली दिलवा के भी ले आता हूं, और किसी को ओशो के प्रेम में डाल के अगर आगे लाना तो मैं कभी कभी प्रेम में भी डाल के ले आता हूं। लेकिन मेरे जो ढंग है वो बार बार वही कह रहा हूं, प्रचार तो करना है क्योंकि लोगों तक खबर पहुंचनी है, लेकिन खबर पहुंचे किस चीज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खबर अगर केवल खाना खाते और इन सब की पहुंची तो भी गलत है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यदि तुम 10 चीजें मेरे बारे में मेरे प्रश्न उत्तर की लोगों तक पहुंचाओ, मैं कहता हूं 11वीं चीजें मेरे जीवन की सहजता के संबंध में भी पहुंचाओ। जब तुम अपने मेरे वीडियो डालते हो तुम फेसबुक पे और सब पे, जैसे
तुम लोग करते हो कुछ भी, तो अगर मेरे वीडियो डालते हो तो कम से कम एक बार तुमने मेरे जीवन में क्या सहजता देखी इसके संबंध में भी लिखो। एक्सपीरियंस हम लोग जैसे अभी एक दिन की बात थी, अनिल मेरी दाढ़ी बना रहा था, दाढ़ी बनाने लगा था। अब जब दाढ़ी बनाने लगा मैं अपने बैठा, वो दाढ़ी बना रहा, ये प्रियंका भी थी। उसके बाद में अनिल ने तुम लोगों के बीच आके कहा कि स्वामी जी इतनी सरलता से बैठे बच्चे की तरह इतनी दाढ़ी बनवा रहे थे, ऐसा बचपना बचा लेना चाहिए सबको। ये कहा कहा था, ये बात दुनिया को क्यों नहीं बताई? ये बात दुनिया को क्यों नहीं बताई? मैं तो तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि इस तरीके की एडेस्ट्रॉजी है, ये तुम भी करो। ये जो लोग सुन रहे हैं मेरे बारे में भी बताएं कि ये ऐसा आदमी है जो अपने बारे में ही सब कुछ बता देता है, यही एडेस्ट्रॉजी है। एडेस्ट्रॉजी मैंने कुंडली जागरण के बारे में क्या कहा ये नहीं है। हाँ वो एक पार्ट हो सकती है, वो ऐसी हो सकती जैसे कि एक कीले रखी, लेकिन उसको ठोकने का काम जो है वो करेगा जो मैंने अभी बताया। कील अकेली है, हथौड़ा अकेला है। सही वक्त पे कील पे चोट मारी जाए तो वो पूरा कार्य है, तो वो बैठती है। मेरे संग में बहुत से लोग जुड़े हुए, बहुत सी चीजें उन्होंने मेरे जीवन के संबंध में देखी, वो नहीं लिखते। मेरे बारे में लिखते भी हैं तो ऐसे लिखते हैं, मैं स्वामी जी के पास गया मेरा जीवन बदल गया। या तुमने अपने बारे में लिखा, मेरे बारे में क्या लिखा? क्योंकि लोग पूछते हैं कैसे बदल गया। अब तुम जब कहते हो कि जीवन बदल गया तो लोग समझते हैं कोई विधि कराते होंगे। तो मेरे पास लोग आते, स्वामी जी कोई विधि करा दो मुझे भी, मैं तो विधि कोई कराते ही नहीं। हाँ किसी किसी को विधि करा देते। अब ऐसे में मैं एडिस्टर्जी क्या बताऊं, और बता भी थी ये है एडिस्टर्जी, लेकिन ये बहुत नाजुक काम है। ये ऐसा काम है जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, मेरी ऑटोबायोग्राफी सबसे ज्यादा सिखा सकती है लोग, लेकिन मेरी ऑटोबायोग्राफी वो अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा मेरे मरने का, उसके बाद लिखी जा सकती, क्योंकि अभी तो लगातार चली रही। हां मेरी ऑटोबायोग्राफी अगर तुम अपने तरीके से पब्लिक के बीच लाते हो कि तुमने ऐसा क्या देखा। अब तुम कहो कि मैं स्वामी जी के पास गया और मैं एकदम ऊर्जा महसूस की, फिर तुमने बेवकूफी कर दी। मैं खुद ही नहीं कह रहा ऊर्जा महसूस करो, तुम कुछ ऐसा महसूस कर रहा हो जिससे तुम्हें तुम्हें कुछ साधारण सा, तुम्हें कोई दिव्य सा, तुम्हें कोई अपने जैसा, तुम्हें कोई गुरु जैसा, ये सब चीजें एक साथ दिखी हो, वहां पे बात है। वो चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तो मैं सारी एडेस्टरीज के खिलाफ चला जाता हूं। बहुत लोग मुझे मिले, बहुत लोगों ने मुझे बहुत तरीके के प्रयास किए, मैं सुन लेता हूं पहले उनकी, सब समझ लेता हूं, लेकिन फाइनली थोड़े समय बाद मुझे पता लगता है कि ये पूरी मूर्ता सिद्ध होने वाली है और मैं उसको इनकार कर देता हूं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि इन्होंने पहले तो हां करा था, बाद में हम ना क्यों कर दी। मैंने शुरू से ही एक बात सबसे कहता हूं कि मुझे एडिस्टर्जी तुम मेरे ऊपर बनाओ, इससे पहले तुम मुझे समझ लो। अब मैं केवल दिव्या पे अपनी बात छोड़ दूं, एड एस्ट्रोलॉजी किसी पे छोड़ दूं, मान लो दिव्या पे छोड़ दूं, दिव्या तो मुझे भगवान पेश कर देगी, हो गई कर दूं। मैं अपने विपरीत जो दुश्मन है उन पे छोड़ दूं एड एस्ट्रोलॉजी की, तुम लोग कर लो, रामिया सिंह पे छोड़ दूं तो मुझे वो शैतान घोषित कर देगी। ना मैं शैतान हूं ना मैं भगवान हूं, दोनों ही एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा विवाद हो मेरे संबंध में, थोड़ा सा प्रेम हो मेरे संबंध में, तुम्हें जैसा फील होता हो वैसा तुम लिखो, जिसको मेरे खिलाफ फील होता है वो लिखे, सब अपना अपना लिखो। द बेस्ट इज
माउथ पब्लिसिटी ही मेरी होनी चाहिए। अब वो माउथ तुम लोगों का बड़ा होके फेसबुक हो गया तो वहां पे भी कर लो, वो माउथ बड़ा होके यूट्यूब हो गया तो वहां पे भी कर लो, माउथ ही है, माउथ पब्लिसिटी हो, लेकिन वो तुम्हारे माध्यम से हो। मैं जो कह रहा हूं वो तो हो ही हो, मेरी बातें कह देने से लोगों को ज्ञान की प्रतीति होगी। कई बार लोग कहते हैं इतनी बातें क्यों कर रही, मैं कहता हूं यहां सब बातों से भरे आते हैं। अगर मैं उनकी बातों का जवाब ना दे पाऊं तो कैसे ये प्रूफ होगा कि कम से कम इस आदमी के ऊपर अपनी उंगली छोड़ी जा पकड़े के चला जा सकता है कि ये अज्ञात की तरफ ले सके। तो जो कम से कम बुद्धि में हमसे अधिक है वो किसी काम का। कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले प्रूफ करो ये बुद्ध है कि नहीं मेरे पास। मैं कहता हूं बुद्ध नहीं हूं, तुमसे तो ज्यादा होशियार हूं, तो तुम मुझे उतना इस्तेमाल कर लो जितना मैं तुमसे होशियार। जैसे एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं, पहले तुम चढ़ो दो मेरे ऊपर, मैं गारंटी देता हूं तुम कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। एक भी जो मेरे कंधे पे पैर रखा वो गुजर के दूसरे कंधे पे नहीं रख पाता, वो बहुत फिर ऊंचे ले जाता हूं मैं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ये सब है एडिस्ट्रेटिव, मुझे सामान्य सा बनाओ, मुझे बहुत ज्यादा मेकअप और गेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। सारा जोर इस चीज का रहता है लोगों का, सजावट वाले का जोर रहेगा कि ये सुंदर कितने दिख जाए, वीडियो वाले का रहेगा कि ये वीडियो कितना अच्छा बन जाए। लेकिन इन सब के अतिरिक्त मेरी एक आत्मा है, मैं जो देना चाहता हूं वो एक तत्व तो है, उस तत्व को भी देखो। वो तत्व तभी अच्छा काम कर सकता है जब उसे पूरी तरीके से उपजने के मौके मिले। भाई कोई कैमरा मैन अच्छा है तो कैमरे का काम कर ले, कोई एडिटिंग अच्छी कर सकता हो तो वो एडिटिंग कर ले, लेकिन उन सबको ये पता होना चाहिए कि देना क्या है। तुमने महसूस किया ओशो के कुछ वीडियोस मैंने देखे वो ऐसे होते थे कि उनका चेहरा दिख रहा है, बातें सुन रहे हैं, ये सामान्य कैमरामैन। इस कैमरामैन को इतना तो पता है कि ओशो का वीडियो दिखाना है, लेकिन इसे ओशो की आत्मा का कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ कैमरामैन होते थे जो ओशो की भावभंगिमा दिखाने लगते थे, ओशो के पैर दिखाते थे, ओशो के हाथ दिखाते थे, ये वो लोग थे जो ओशो की आत्मा को पकड़ पा रहे थे। मैं इसी तरीके से चाहता हूं कि मुझे अगर प्रचारित करो तो मेरी आत्मा प्रचारित करो, मेरे शरीर का प्रचार करो तो ऐसे करो कि ये शरीरों में सब तरीके से सामान्य लेकिन कुछ अद्भुत ये शरीर है जो मैं हूं। मैं खुद अपने मुंह से कहता हूं, तुम लोग फील किया तभी तो घर छोड़े यहां बैठे हुए। तो ये मेरी एडिस्ट्रेटजी है, इसी एडिस्ट्रेटजी को कोई काम करना चाहे करे, विरोध करना चाहे करे, लेकिन मुझसे पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं कि यही मेरी एडिस्ट्रेटजी। मेरी एडिस्ट्रेटजी सो कॉल्ड टोपी लगा के सो कॉल्ड तरीके से महिमा मंडित करने वाली नहीं है, मैं तो बिल्कुल कॉमन रहने वाला हूं। मेरे पास तो यहां कोई आ भी जाता है तो मैं कहता हूं चलो रिकॉर्डिंग बैठो, तो उसे सब पता होता है कैसे रिकॉर्डिंग हो रही, क्या हो रही, उसे ये भी पता होता है कि स्वामी जी किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितनी जल्दी तैयार होकर आ जाते हैं, कैसे क्या करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए काम की है, अगर वो उसके पीछे की आत्मा देख पाए, वरना तो वो ऊपर ऊपर के कृत्य पकड़ लेगा। तो इस विषय में मैं